प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इशू आपके लिए लेके आया हूँ। जितने भी यूट्यूब कम्युनिटी है के बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक कर्म की थ्योरी होती है। कर्म कर्म की थ्योरी है कि जैसे हम कोई काम करेंगे उसका वैसा ही फल होता है। जैसे इसको स्पष्ट करने के लिए कोई कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कांटों वाला कोई पौधा लगाता है तो उसको कांटे ही मिलते हैं, अगर आम का वृक्ष लगाता है तो आम ही मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि एक्शन, कोई आपने एक्शन किया उसका रिएक्शन होगा, रिएक्शन। मैं जब लोगों से बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि इसको यह तकलीफ है, इसके पिछले कर्मों का फल है। यानी कोई उसने एक्शन गलत बैड एक्शन किया होगा, ठीक है, उसका रिजल्ट जो है रिजल्ट है, आज उसको पेन हो सकता है, ठीक है, कोई डेथ हो सकती है, ठीक है, अदर सफरिंग्स हो सकती है, सो मैनी चीजें, उसका गलत काम का गलत नतीजा हो सकता है पिछले कर्मों का। तो मैं कभी कभी सोचता हूं इंसान की इस थ्योरी में कोई इतना दम नहीं लग रहा। उसमें मान लो कि इंसान जब दुनिया में पहली बार भगवान ने बनाया, सबसे पहला व्यक्ति और सबसे पहले लेडीज, ठीक है जी, ये दो व्यक्ति बनाए, ठीक है, ये संसार में सबसे पहले आए, ये ए था ये बी था, इससे संसार बना है। तो उस समय कौन से कर्मों का फल था, ठीक है, इसके पीछे तो ब्लैंक है, ब्लैंक कुछ भी नहीं है। तो ये भी, इनकी भी डेथ हुई, तो ये तो नहीं कह सकते कि कर्मों का फल था कि इस बीमारी से या इस एक्सीडेंट से इसकी डेथ हुई इस टाइम पे। तो मुझे जहां तक मेरी अपनी सोच है कि इसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि देखो, आपने कोई ऐसा ये जिसमें पानी डालते हैं घड़ा लिया, जब तक पानी नहीं है तो ये खाली है, एम्प्टी है। तो जो बिगनिंग के व्यक्ति होंगे तो उसका कोई कर्म नहीं बना, दुनिया में आए डेवलपमेंट की और डेथ हो गई, उनको कोई पेन भी नहीं, उनको कोई तकलीफ नहीं। यदि उनका कर्म फल नहीं है तो उनके पास हो नहीं सकती है ऐसा, तो एम्प्टी है। तो धीरे धीरे इस ए ने कर्म किया, बोया, पानी आ गया इसमें, ठीक है, जिसे हम उन पाप कहते हैं। यहां तक ए से मान लो कि सी हुए पैदा, डी हुए, ई हुए, इनके आगे बच्चे हुए, तो जन्म फिर डेथ, फिर जन्म फिर डेथ, फिर जन्म फिर डेथ। इन द बिगिनिंग एक्शन की रिएक्शन थ्योरी मतलब की साबित नहीं होती है दुनिया के स्टार्टिंग में, बाद में सिन और हम कह सकते हैं पाप और पुण्य, ठीक है, ये गुड वर्क्स का कह सकते हैं हम, इसमें दो ही टर्म हो सकते हैं, या पाप है या पुण्य है। पापों का जो फल है पेन है, डेथ है, सफरिंग है, ठीक है, और गुड वर्क्स का फल अच्छा है, अच्छे का अच्छा एक्शन अच्छा है, तो गुड वर्क का गुड है तो इसका एक्शन भी रिएक्शन भी अच्छा होगा, गुड होगा, ठीक है। तो ऐसा ही इशू आप मान के चलिए कि इन द बिगनिंग ऑफ के जब संसार बना था तो तब कोई भी एक्शन और रिएक्शन नहीं हुआ, पर जब संसार स्टार्ट हुआ उसके बाद जन्म और डेथ, जन्म और डेथ, उसके बाद यह है जो एम्प्टी घड़ा था इसमें पाप और पुण्य भरे हैं, उसका हमें फल मिलता रहता है।
कुछ इस जन्म में मिलेगा, कुछ अगले जन्म में मिलेगा, जो पास है वो इस जन्म में हम भोगेंगे। तो यह कर्म की एक थ्योरी है जिसे हमें समझना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।